पिछले वीडियो में अपन ने फ्रैक्शन बेस पे क्वेश्चन सोल्व किए थे, अब आज है ना उन्हीं फ्रैक्शंस पे अपन है ना और क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो उनसे उन्हीं से रिलेटेड है। देखो और जनरली ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयत की लंबाई को 37% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि यानी परिवर्तन होगा वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अपन परसेंटेज उठाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं। 37.5% है, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। 3/8 है वो कैसे बना, देखो 37.5% है इसको मैं लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 75/2%। 37 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 74 = 75, 75/2। अब यहाँ से इसको फ्रैक्शन बनाते हैं तो 75/2% को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये 3 बार कटा, ये 4 बार कटा 25 से, यहाँ अपने पास में आया 3 और यहाँ अपने पास में आया 8। तो मतलब 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, ये इसके ओरिजिनल मान को रिप्रेजेंट करता है, ये अपन को पता है पहले से, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है यानी मूल मान होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसकी लंबाई है, उसके बाद लंबाई और चौड़ाई की बात होती है, तो ये लंबाई की प्रतिशत है, लंबाई में परसेंटेज बढ़ाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो लंबाई थी वो 8 थी, पहले लंबाई कितनी यूनिट थी, 8, क्योंकि ये ओरिजिनल या मूल मान होता है। और 8 का 37.5% वृद्धि कर दिया, इसका मतलब 8 पर कितने बढ़ा रहा है वो, 3 बढ़ा रहा है। तो यहीं से पता चल गया कि पहले अपने पास में लंबाई 8 यूनिट थी और उसके बाद में 3 यूनिट बढ़ा दी गई, कोई डाउट। आगे देखो चौड़ाई है, ये तो लंबाई की बात होती है और चौड़ाई अपने पास में देखो कैसे बनेगी, चौड़ाई की परसेंटेज दे रखी है कि 20% कम, कमी की बात हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। ये अपने पास में स्टार्टिंग जो मूल मान होता है, ओरिजिनल मान होता है, ये मूल मान है, इसका मतलब प्रारंभ में इसकी चौड़ाई कितनी थी, 5। प्रारंभ में इसकी चौड़ाई 5 है, 5 में 20% कम कर दिया, इसका मतलब 1 कम कर दिया, तो 5 के बाद में कितना हो जाएगा वो, 4 ही बचेगा। तो देखो अपन लिख लेते हैं कि पहले उसका क्षेत्रफल क्या बन रहा था, उसके बाद में उसका क्षेत्रफल क्या बन रहा है, ठीक है, और उसके मतलब फिर बाद में क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है वो पूछा है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ लंबाई, यहाँ कर देते हैं चौड़ाई और इस तरफ लिख देते हैं इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत ही है तो आयत का क्षेत्रफल काउंट करेंगे। लंबाई पहले प्रारंभ में और अब मतलब वर्तमान में, पहले स्टार्टिंग में अपने पास में उसकी लंबाई थी 8, चौड़ाई कितनी थी 5, अब वर्तमान में अपने पास ये लंबाई बढ़ाने की बात कर रहा, 8/3, तो 8/3 कितने हो गए भाई, 11। चौड़ाई 5/20% कमी की बात हो रही है, तो ये कमी है, तो 5/1 की कमी होती है तो कितने बचे भाई, तो उसकी चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 4, कोई डाउट। इसका क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका मतलब 8 × 5 करेंगे तो कितना होगा इसका क्षेत्रफल, 40 यूनिट। यहाँ पर 11 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब क्षेत्रफल बना वो कितना बन गया भाई, 44। क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, कमी हुई, पहले क्षेत्रफल 40 था, अब क्षेत्रफल अपने पास में बना है 44, 40 से कितना बढ़ गया भाई, 4 बढ़ गया, 40 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ाए, किस पे बढ़ाया भाई, 40 पे बढ़ाया। इसका मतलब इसकी परसेंटेज, जो परिवर्तन परसेंटेज है वो निकालते हैं, परिवर्तन जो प्रतिशत है वो काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 4 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है भाई, इनिशियल के अंदर में जो पहले क्षेत्रफल क्या था, 40 ही था, तो 40 है यानी 40 है, पहले था 4 बढ़ गया, अब इसका परसेंटेज में काउंट करेंगे, ये परसेंटेज है, यहाँ से ये कट गया और 4 से ये 4 कट गया, तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की, कोई डाउट इसमें, तो इसका क्षेत्रफल 10% बढ़ गया, समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन आगे और देखो करते हैं, बहुत ही अच्छा है।
देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक संख्या को, एक विद्यार्थी है और एक संख्या को 5/3, उसको लिखना तो था 5/3 लेकिन उसके स्थान पर गलती से 3/5 लिख दिए गए, सॉरी किसी संख्या को 5/3 से गुणा कराना था लेकिन वो 5/3 की जगह वो 3/5 से गुणा करा देता है, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये जो त्रुटि हुई है वो त्रुटि कितने प्रतिशत की हुई है, समझे। देखो कैसे करते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए करना है, जैसे अपन ने ले लिया 5/3 स्टार्टिंग में थी, यानी लिखना तो था उसे 5/3 लेकिन उसकी जगह 3/5 से उसको गुणा करवा दिए, कोई संख्या है वो संख्या पता नहीं कौन सी है, ऐसे ही फ्रैक्शन ले लेते हैं क्योंकि उस संख्या को फिर 5/3 से भी कराना पड़ता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आपको ऐसे करना है। एक तो 5/3 था और अपने पास में इसकी जगह लिख क्या दिया गया, 3/5 लिख दिया गया। अब आपको करना क्या है, वो त्रुटि निकालनी होती है तो आपको देखना है इन दोनों के हर में क्या लिखा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, हरों का एलसीएम लेना है, दोनों हरों का एलसीएम, दोनों हरों का एलसीएम क्या हुआ भाई, 3 × 5 = 15 एलसीएम हो गया, कितना हुआ 15। अब आपको क्या करना है, दोनों ही संख्याओं को जैसे से मान लो अपन में ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको गुणा करा देते हैं 15 से, इसको भी गुणा करा देते हैं 15 से, तो पहले जो संख्या अपने पास में आनी थी वो कितनी आनी थी, 3 से ये कटे कितनी बार भाई, 5 बार, कितनी आनी थी 25, लेकिन उसकी जगह आ कितनी गई 3, कितनी आई। अब बताओ आपको पता है कि भाई 25 आनी थी लेकिन उसकी जगह कितने आ गए भाई, 9 आ गए, तो यहाँ 25 से कितने पे आ गया 9 पे, कितने की कमी हुई भाई बताओ जल्दी, 25 में से 9 घटा दो कितने बचे 16, तो इसमें 16 की कमी आ गई, मतलब त्रुटि आई है इसमें, 25 से डायरेक्ट 9 पे आ गया, इसका मतलब कमी हुई, और कमी को माइनस कर देते हैं, माइनस से प्रजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर देखो अभी इसका परसेंटेज ही तो निकालना होता है, -16/ कितने आ गए 25, और इसके परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ से ये कितनी बार कटा गई 4 बार, 4 को 16 से गुणा कराते हैं कितने आ गए 64, ये माइनस है इसका मतलब 64% की क्या हो गई यहाँ पे कमी, ये त्रुटि हुई है यहाँ पे, कोई डाउट इसमें। देखो दोबारा आपको करना क्या है, 5/3 लेना है, उसकी जगह अपन ने गुणा करा दिया 3/5 से, तो इसका मतलब 5/3 और 3/5 इनके दोनों हरों का एलसीएम लेना है, एलसीएम से इन दोनों यानी जो भिन्न हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है जिससे अपने पास में एक नेचुरल नंबर आ सके, ठीक है, या फिर पॉजिटिव इंटीजर नंबर आ सके, तो 25 और यहाँ पर कितने हो गए भाई 9 गुणा कराए तब, तो यहाँ पर पहले संख्या आनी थी 25 आने थे लेकिन उसकी जगह कितनी आई 9, 25 में से 9 घटाई कमी कितने की रही 16, किस पे कमी रही 25 पे, इनिशियल स्टार्टिंग में 25 ही आनी थी तो 25 में 16 की कमी 9 आ गया, तो 16/25 % में चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, सोल्व करते हैं, 64% की कमी आ गई यहाँ पे, कोई डाउट इसमें। ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं, देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए किसी सॉरी चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत है वो 20% कम हो जाती है, तो बताओ कुल खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, वो अपने को निकालना है। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन बनानी है, 16 से 2/3% 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई बताओ, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, यहाँ से स्टार्टिंग में अभी इससे फ्रैक्शन से ये पता चल गया कि पहले जो चीनी का भाव था वो 6 रुपये/kg था, कितना था 6 रुपये/kg, पर केजी के हिसाब से ले लेते हैं 6 रुपये/kg या 6 यूनिट/kg था, रुपये मान लो 6 रुपये/kg था, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये बढ़ता है 16 से 2/3% बढ़ जाता है, इसका मतलब 1 बढ़ जाता है, तो पहले वाला भाव ठीक है,
उसके बाद में उसमें खपत कितने की होती है वो ये सब निकालना है। और खपत की परसेंटेज भी निकाल लेते हैं, खपत अपने पास में कितना है 20% की फ्रैक्शन होती है 20 × 500 = 5। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। ये अपने पास में पहले खपत है, स्टार्टिंग में पहले प्रारंभ में 5 रुपये प्रति केजी, और अब कितना हो गया भाई कमी हो रही है तो यहाँ 4 रुपये प्रति केजी। ठीक है, देखिए कैसे करना है। देखिए खपत अपने पास में था 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। यहाँ से स्टार्टिंग में अपने पास में 5 केजी चीनी थी, अब 20% कम कर दिया, इसका मतलब 4 केजी चीनी इसमें लेने लगते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी चीनी का भाव, ठीक है, खपत, और यहाँ लिख देता हूँ मैं खर्च, कितना खर्च। यहाँ देख भाव पहले क्या था भाई, प्रारंभ में भाव 6 रुपये प्रति केजी था, उस टाइम पे खपत कितनी हो रही थी भाई 5 की, यानी मतलब 5 केजी। तो भाई बताओ कि भाव उस टाइम पे 6 रुपये प्रति केजी था, 1 केजी के 6 रुपये, तो 5 केजी के कितने हो गए भाई, खर्च कितने हो रहे थे 30 रुपये। उस टाइम पे कितने रुपए खर्च हो रहे थे 30 रुपये। अब वर्तमान में अपने पास में क्या आएगा, वर्तमान में पहले 6 था, 6 पर भाव बढ़ गया 16 से 2/3%, मतलब 1 बढ़ गया, तो अब क्या है 7 रुपये प्रति केजी। अब भाव क्या है इसका 7 रुपये प्रति केजी। चीनी कितनी आने लगी 4 केजी उसमें लेने लगा। यहाँ बताओ जब भाव 7 रुपये प्रति केजी है, 1 केजी के 7 रुपये, तो 4 केजी के कितने होंगे भाई 28। पहले खर्चा कितना हो रहा था 30 का, अब खर्चा कितना हो रहा है 28 का, खर्चे में कितने की कमी हुई 2 की, कितने की कमी हुई 2 की। अब इसमें परसेंटेज निकाल लेंगे भाई कितने परसेंट की कब परिवर्तन हुआ या कुल खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर देखो माइनस के 2, मतलब माइनस 2 कमी को रिप्रेजेंट करता है, माइनस 2 कितने पे भाई, पहले कितना था 30 था, और इनटू परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 कट गया, यहाँ पर कितना आ रहा -20/3। सोल्व करेंगे तो कितने आएंगे भाई 6 से 18 2, कितनी प्रतिशत की क्या होगी यहाँ पे कमी होगी, कोई डाउट खत्म बोल लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा होगा फिर बाद में देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह अगर क्वेश्चन दूंगा, इस तरह के क्वेश्चन आप गाइड से उठाना और सोल्व करना, अभी और करवाऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से क्या है कि मैं अलग टाइप का क्वेश्चन करवा देता हूँ एक, और जब यदि मेरा वीडियो मतलब अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। किसी विद्यालय में 60% लड़के, 972 लड़कियाँ हैं, 60% लड़के हैं वो उठाओ, 60% है, 60% की फ्रैक्शन क्या होती है वो तो 3/5, 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/5। इसका मतलब अपने को पता चल गया ये 60% क्या है भाई लड़के, 60% क्या है लड़के हैं, तो इसका मतलब टोटल अपने पास में लड़के प्लस लड़कियां आ गई हैं, ये दोनों ही हैं, 5 यूनिट क्या हैं लड़के और लड़कियां दोनों हैं। अब इनमें से 60% मतलब 3, यानी 5 में से 3 हैं यूनिट वो तो हैं लड़के, ठीक है, तो यहाँ पर बताओ लड़के कितने हो गए, लड़के हुए अपने पास में 3 यूनिट। अब मैं ऐसे लिखूँ यहाँ तो मान लेते हैं लड़के हैं और यहाँ पर हैं लड़कियाँ, दोनों अलग अलग लिख देते हैं, लड़के 3 यूनिट हैं और लड़कियाँ कितनी हैं भाई बताओ, क्योंकि दोनों मिला करके 5 है, 5 में से अगर 3 लड़के हैं तो 2 कितनी होगी लड़कियाँ होंगी। अब लड़कियों की संख्या दे रखी है तो इसका मतलब लड़कियाँ 2 है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होगा 972 के, 2 यूनिट 972 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 से डिवाइड कर दो भाई इसको,
486। 1 मिनट 486 के बराबर है। लड़कों की संख्या पूछा है, लड़कों की संख्या पूछी है, तो इसमें क्या आएगा, 3 मिनट किसके बराबर होगा, तो 3 × 486 गुणा कराएंगे, 6 × 18, 8 × 24, 24 × 1 25, 4 × 12 और 2 × 14, 1458 लड़के होंगे। कोई डाउट इसमें, समझ में? अब बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखते हैं, अब अलग तरीके के और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आगे अगले वाला वीडियो में देखते हैं। गुड बाय।